कसरावत नगर के कुएं में तेंदुए का बच्चा गिर गया, जिसे किसान पप्पू वराड़िया ने अपने खेत पर कुएं में सुबह 6:30 बजे गिरा हुआ देखा। जहां किसान ने अपने खेत पर टायर की टोकरी को रस्सी से लटका दिया, जिसे देखकर तेंदुआ टोकरी में बैठ गया। टोकरी को नीचे से उठाकर आधे कुएं तक लाया गया। उसके बाद दयानंद पाटीदार वराड़िया ने वन विभाग को सूचना दी, जहाँ उसे वन विभाग और पुलिस द्वारा मौके पर पहुंची टीम ने बड़ी मशक्कत के साथ 6 घंटे बाद पकड़ा। और इसे पकड़ने में थैंक यू नेचर टीम का योगदान रहा। थैंक यू नेचर टीम सदस्यों ने पूछा गया कि उन्होंने बताया कि यह तेंदुआ का बच्चा मात्र 5 से 6 माह का है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। यहाँ जो तेंदुआ का बच्चा आपके खेत में मिला है, क्या है? और भी क्या ऐसे तेंदुए होने की आशंका है? हाँ हाँ, ऐसा सुना गया है कि तेंदुए बहुत घूम रहे हैं, मतलब करीब 2 शावक है और 1 माँ है शायद, तो इनके पैरों के निशान भी मिल रहे हैं। और लोग बता रहे हैं कि खेतों में उन्होंने निकलते हुए गुजरते हुए देखा। अच्छा, ये कब से गिरा हुआ था? ये आज पकड़ा? ये कल रात से गिरा हुआ है। अच्छा, फिर आपने इनको सूचना दी? फरेश सुबह उसकी आवाज़ आ रही थी कुएं में से, तो ये हमारे भतीजे ने जो है आवाज़ सुनी। और सुबह में जब मैं भी आया यहाँ, तो मैंने भी देखा कि यहाँ गिरा हुआ है बच्चा कोई, मगर वो पहचान में नहीं आ रहा था, मुंह दिख रहा था सिर्फ उसका। अच्छा, अच्छा। मगर पूंछ बहुत मोटी और लंबी है, तो इसलिए वो शंका हुई कि वो कोई साधारण नहीं है वो। आपके द्वारा कुछ उसके साथ वो उठाया गया था क्या कुएं से? हाँ जी, वो हमारे पास यहाँ पे वो गल निकालने की टोपली नहीं रखी हुई थी और रस्सा भी था, तो टोपली रस्सा बांध के टोपली को उतारा कुएं में। तो कुएं में जैसे ही टोपली को उतारा, तो वो टोपली को डुबाया पानी में, थोड़ा सा 2 इंच ऊपर किया उसको, तो वो तैरते हुए आया और टोपली में बैठ गया वो। उसके बाद टोपली को हमने रस्से से ऊपर खींचा, तो करीब 20-25 फीट ऊपर खींचा उसको, तो वो आराम से बैठा रहा वो। उसके बाद उसको वहीं बांध दिया हमने, फिर फॉरेस्ट को जो है वो सूचना दी, तो वो लोग आए और उन लोगों ने रेस्क्यू किया। अभी क्या नाम आपका? दयानंद पाटीदार वराड़िया। ये दयानंद जी पाटीदार के खेत में था, कसरावत रेंज में। यहाँ से हमने कुएं में गिर गया था ये बच्चा, था करीब 6 से 8 महीने का बच्चा था ये, जो उसको अभी हमने थोड़ी देर पहले ही रेस्क्यू किया है। और भी हैं ऐसे इस एरिया में? हाँ, सूचना तो मिलती रहती है कि यहाँ पे है, जब बच्चा है तो स्वाभाविक है कि मादा भी होगी यहाँ पर। आपकी टीम में कितने लोग हैं? हम लोग तो अभी 2 लोग हैं, 3 लोग हैं हम लोग, और बाकी जो मंडलेश्वर से भी कुछ लड़के आए हैं वो भी। सभी ने काम किया है ना? जी बिल्कुल। टीम का नाम क्या आपकी? हमारी टीम तो अभी हम इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, और एक है थैंक यू नेचर वेलफेयर सोसाइटी, वो भी है। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।